Welcome students, class 10th physics electricity. If a wire of resistance R is melted and recast to half of its length, एक वायर को मेल्ट किया जाता है और मेल्ट करने के बाद उसको रिकास्ट किया जाता है, उस वायर की लेंथ का हाफ बना दिया जाता है. आगे कहता है कि आपको बताना है कि न्यू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, जो आपने वायर बनाई हुई है उसका नया रेजिस्टेंस कितना होगा. मान लीजिए कि ये एक वायर है, ये एक वायर है आपके सामने जिसकी लेंथ को मैंने एल मान लिया और इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो ए हो गया. तो यहाँ पर अगर आप रेजिस्टेंस देखेंगे, रेजिस्टेंस में मान लेता हूँ कि इस वायर का ओल्ड रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस बराबर होगा रो इंटू एल डिवाइडेड बाई ए. ये बन गई आपकी एक पहली इक्वेशन, ओल्ड रेजिस्टेंस आ गया इस वायर का. अब इस वायर को रिकास्ट करके आपने एक वायर बना ली और वायर रिकास्ट होने के बाद इसकी जो लेंथ है वो हाफ हो गई, यानी जो वायर की लेंथ न्यू लेंथ आई एल डैश को मैंने मान लिया एल बाई टू और इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा उसको मैंने ए डैश मान लिया. अब हम देखते हैं कि जो न्यू रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा. तो न्यू रेजिस्टेंस बराबर हो जाएगा रो इंटू एल डैश और डिवाइडेड बाई ए डैश. अब आपको एक चीज़ बहुत ध्यान से यहाँ पर समझनी है कि जब भी किसी वायर को आपने रिकास्ट करके एक न्यू वायर में कन्वर्ट किया है तो उसका वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ वायर जो होगा वो ऑलवेज कॉन्स्टेंट होगा. ये बात आपको क्लियर है, क्योंकि आपने वॉल्यूम चेंज किया तो वॉल्यूम यहाँ पर कॉन्स्टेंट रहेगा, वायर रिकास्ट हो गई. तो अगर ओल्ड वायर का वॉल्यूम है, ओल्ड वायर का वॉल्यूम होगा ए इंटू एल और जो न्यू वायर का वॉल्यूम होगा वो होगा एल डैश इंटू ए डैश. अब आप इसको लिख सकते हैं ए इंटू एल इक्वल में एल डैश को क्या हो गई एल बाई टू इंटू ए डैश. ये है ए डैश न्यू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. यहाँ पर देखेंगे आप एल से एल कैंसिल हो गया और जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन न्यू निकलेगा तो कितना हो जाएगा टू ए. अब आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को उठाकर इस इक्वेशन में पुट करिए, रो इंटू एल डैश का मतलब हो गया एल बाई टू और ए डैश का मतलब हो गया टू ए. इसको सॉल्व करिए तो न्यू रेजिस्टेंस इक्वल हो जाएगा रो इंटू एल बाई और नीचे हो जाएगा फोर ए. इसको मैं लिख सकता हूँ न्यू रेजिस्टेंस इक्वल टू वन बाई फोर इंटू रो इंटू एल डिवाइडेड बाई ए. और आप इसको देख रहे हैं, इसको आप ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर वन में मैंने दिखा रखा है. इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ आर, तो आर डैश की वैल्यू हो गई आर बाई फोर. तो आपका न्यू रेजिस्टेंस कितना हो गया आर बाई फोर. इससे आपका ऑप्शन नंबर वन बिल्कुल करेक्ट हो गया. तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन ज़रूर समझ में आया होगा. अगर आपको हमारी ये वीडियोज़ अच्छी लगती है तो आप लोग हमारा प्ले स्टोर पर ऐप जी हाँ ऑनलाइन क्लासेस है उसे डाउनलोड कर सकते हैं और इस तरीके के और भी वीडियोज़ देखने को मिलेंगे. आप हमसे फ्री में बुक कर सकते हैं अपना डेमो क्लासेस और अगर कोई भी क्वेरीज होती है तो आप हमें व्हाट्सअप या कॉल भी कर सकते हैं. ओके, थैंक यू सो मच.